1837 में आज के दिन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनी। 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया ने महारानी का पद संभाला। उनकी क्षमता की छाप समय पर ऐसी पड़ी कि उस वक्त को विक्टोरियन युग कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया के राज्यकाल के समय पूरी दुनिया में अंग्रेजी साम्राज्य बहुत दूर तक फैला। उनके समय में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरण में बदल गई। दुनिया के उन्नत राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड आगे आया। रानी की ज्यादा समय तक चली सत्ता में वहां की लोकशाही परिपक्व और व्यापक बनी। 1976 में आज के दिन लेबनान में अमेरिकी राजदूत की हत्या के बाद राजधानी बेरूत को करीब 300 पश्चिमी नागरिकों को अमेरिकी सेना की मदद से सीरिया पहुंचाया गया। इन ब्रितानी और अमेरिकी नागरिकों को सड़क के रास्ते ले जाना सुरक्षित नहीं होने की वजह से इन्हें अमेरिकी नौसेना के एक जहाज से ले जाया गया। लेबनान में अमेरिका के राजदूत फ्रांसिस मेलॉय की हत्या के बाद अमेरिका ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी थी। 2 दिनों तक सुरक्षा कारणों की वजह से ये लोग ब्रितानी दूतावास से नहीं निकल पाए, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली। उस वक्त लेबनान में 1 साल से ज्यादा से गृह युद्ध चल रहा था, जो आखिरकार वर्ष 1990 में खत्म हुआ। 1990 में आज के दिन पूरे यूरोप के लिए अलग अलग राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ एक नई मुद्रा का प्रस्ताव रखा गया। ब्रिटेन के तत्कालीन चांसलर जॉन मेजर ने इस नई मुद्रा का नाम हार्ड ECU यानी यूरोपियन करेंसी यूनिट रखा। उनके मुताबिक शुरुआत में इसका इस्तेमाल व्यापार और पर्यटन में ही होना था। साथ ही इसकी देखरेख के लिए एक अलग यूरोपीय मुद्रा कोष बनाया जाना था। इससे पहले यूरोपीय आयोग के मुखिया जैक डेलोरिस ने पूरे यूरोप के लिए एक मुद्रा और एक यूरोपीय बैंक का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ब्रितानी सरकार ने आयोग के प्रस्ताव के मुकाबले चांसलर जॉन मेजर के मॉडल को एक बेहतर विकल्प माना। 1991 में आज के दिन जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन ले जाने के बारे में संसद में मतदान हुआ था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 338 और विरोध में 320 वोट पड़े। इसी के साथ तय हो गया कि एकीकृत जर्मनी की राजधानी बॉन को जर्मनी की राजधानी बॉन की बजाय बर्लिन होगी। इस फैसले के साथ ही सरकार और संसद बॉन से बर्लिन चली गई, लेकिन 6 मंत्रालयों का मुख्यालय अभी भी बॉन में ही है, जिनमें रक्षा और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। राजधानी बदलने के फैसले के बाद उसे लागू करने में 8 साल और लग गए। 1999 में राजधानी बर्लिन चली गई। 1949 में पश्चिमी जर्मनी की अंतरिम राजधानी बॉन बनाई गई थी। इस शहर को पश्चिमी जर्मनी के पहले चांसलर कोनराड आडेनावर की सलाह पर चुना गया था।